हेलो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की कि जो क्रेडिट के लिए नॉर्म्स बताए कि बैंक जो है किस तरह से फिनांस कर सकते हैं, क्या कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने वही कमेटीज ली हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है, और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। कमेटी के साथ ही इसी लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में भी ब्रीफली, जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, और उसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने जो है अलग से जो है अपने ब्लॉग पर डाले हुए हैं। और इसी तरह देखो, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक जो है आपको मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर तो आपको 7-8 टॉपिक्स ही मिलेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, तो वो सारे टॉपिक जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है, देखो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम जो है ये आरबीआई ने 65 के अंदर जो है स्टार्ट की थी, ताकि जो फिनांस बैंक्स फिनांस करते हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, और यहाँ पे जितने भी शेड्यूल बैंक्स थे अगर वो लोन प्रोवाइड करते हैं या लिमिट को सैंक्शन करते हैं, और वहाँ पे क्या है कि फ्रेश क्रेडिट लिमिट है 1 करोड़ की है या उससे ज़्यादा है, सिंगल बोरोअर को है, तो वहाँ से आरबीआई से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी, और ये बाद में लिमिट जो थी 2 करोड़ तक एक्सटेंड कर दी गई थी। बैंक जो थे पहले प्रपोजल को चेक करते थे, उसके बाद आरबीआई को भेजते थे, आरबीआई उसको वेरीफाई करता था, उसके बेसिस पे वो उसको रिकमेंड करता था या रिजेक्ट करता था। और यहाँ पे जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई जो समय समय पर क्या होता है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करता रहता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम थी बेसिकली ये 65 से लेके 85 तक थी। इसके अंदर क्या था कि एक सीमा के बाद अगर लोन जैसे 1 करोड़ था, बाद में 2 करोड़ कर दिया था, बाद में 5 करोड़ भी कर दिया गया था, तो वहाँ पे आरबीआई की अप्रूवल लेनी ज़रूरी होती थी। और इसी तरह इसके अंदर क्या है कि जो कोर कमेटी है, टंडन कमेटी है, उसकी भी जो रिकमेंडेशन थी इसको इसके अंदर शामिल किया गया था। और आरबीआई को जो अप्रूवल भेजी जाती थी तो उसके अंदर बहुत सारी डिलेज होती थी, तो जिसकी वजह से क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम जो थी 89 के अंदर ये बंद कर दी गई थी। और उसके अंदर क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट जो थी बॉरोअर से मांगी जाती थी, जिसके बेसिस पे क्या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सोर्सेज और एप्लीकेशन है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट होती थी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में अगर वो एग्जिस्ट पहले से मतलब एग्जिस्ट करती है। और उसी तरह क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता था कि नेचुरली यहाँ पे जो लार्ज बोरोअर्स हैं उनकी क्रेडिट प्रपोजल जो होती है चेक करके उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो था बैंक जो थे सैंक्शन कर सकते थे, बट अगर जो प्रपोजल 5 करोड़ से ज़्यादा, अगर टर्म लोन जो है 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आरबीआई को है जो पोस्ट सैंक्शन के बाद स्क्रूटनी के लिए जो है रिपोर्ट भेजी जाती थी। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट रिपोर्ट है उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट एंड प्रपोज्ड लिमिट्स है फिनांस की, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, बिजनेस प्लान, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनांस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, और बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट भी जो थे उसके साथ अटैच किए जाते थे। तो अब हम देखते हैं कि जो आरबीआई ने समय समय पे वेरियस कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो दहेजा कमेटी जो थी ये बेसिकली 68 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई, और इसके जो चेयरमैन थे वो वीटी दहेजा थे। और यहाँ पे क्या था कि बेसिकली ये जो कमेटी बनाई गई, तो इसका था कि इंडस्ट्री और ट्रेड की जो क्रेडिट नीड्स हैं किस तरह से और इंक्रीज़ होगी और किस तरह से इनको रूल्स बनने चाहिए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। और कमेटी का ये व्यू था कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और बाद में उसको लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर फिनांस करती थी, मतलब शॉर्ट टर्म फंड जो होते थे वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ नहीं होते थे, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए फिनांस किए जाते थे। और ये कहते थे कि जो नॉर्म सेट करने हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि जो हमने लोन सैंक्शन करना है वो बॉरोअर के टोटल ऑपरेशन के बेसिस पे होना चाहिए, सिक्योरिटी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, उसके साथ उसके ऑपरेशंस को भी कवर करना चाहिए। और उसी तरह जो उसकी रिक्वायरमेंट है हार्ड कोर की, कितना मिनिमम उसने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना है, और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। और उसी तरह जो है कोशिश होनी चाहिए कि कस्टमर जो है
है वन बैंक के साथ ही डील करे। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सेकंड कमेटी है, टंडन कमेटी है, और ये 74 के अंदर जो थी कंस्टिट्यूट की गई थी, इसके जो चेयरमैन थे पीएल टंडन थे, तो इसके इनको बेसिकली जो कमेटी ये बनाई गई थी, तो एक तो ये था कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स ने फॉलोअप करना है, किस तरह से सुपरवाइज करना है, और किस तरह से इंफॉर्मेशन और डाटा जो है बैंक्स और आरबीआई को लेना चाहिए, और उसी तरह क्या है कि रिसोर्सेज क्या है कि जिसके बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर सके कि इतना मिनिमम वर्किंग कैपिटल हमने लोन देना है, और उसी तरह कैपिटल स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग जो पैटर्न ऑफ फिनांसिंग है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो टंडन कमेटी है जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो बैंक्स है बेसिकली जो कस्टमर है उसका जो ऑपरेशनल प्लान है उसको अच्छी तरह से चेक करें ताकि सही अंदाज़ा लगा सके कि रियलिस्टिक पोजिशन क्या है, और बैंक को ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है उसका एंड यूज़ जो है कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है। और उसी तरह देखो जो टंडन कमेटी है इसने तीन मेथड जो है रिकमेंड किए गए हैं, और इसके अंदर आरबीआई जो है दो मेथड को उन्होंने यूज़ करती है, अभी भी सेकेंड मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट मेथड है, देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल फिनांस क्या होता है। करंट एसेट के अंदर से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल गैप होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल गैप जो होता है इसकी फिनांसिंग कहाँ से होगी, अपने पॉकेट से ऑर्गेनाइजेशन करेगी और अपने फंड से करेगी या बैंक से लोन लेगी। तो यहाँ पे बोरोअर जो है, देखो जो वर्किंग कैपिटल गैप हम निकालते हैं उसका 25% जो वर्किंग कैपिटल गैप का है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे टोटल करंट एसेट 50,000 के है और करंट लाइबिलिटी जो हमारी 20,000 की है, कोर करेंट एसेट जो हमारे 5,000 के हैं, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप हो गया 50,000 माइनस 20,000 30,000। तो ये 30,000 का 25% जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आने चाहिए, और जो 75% है इतना ही बैंक से आपको जो लोन मिल सकता है फर्स्ट मेथड के अंदर 22,500 है। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेकंड मेथड है यहाँ पे, उसके अंदर जो बोरोअर है देखो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बोरोअर जो है, देखो जो फर्स्ट मेथड था उसके अंदर वर्किंग कैपिटल गैप का 25% जो था लॉन्ग टर्म सोर्सेज से था, और यहाँ पे देखो जो सेकंड मेथड है इसके अंदर जो करंट एसेट है इसका 25% जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा। तो यहाँ पे 25% जो है 12,500 आ गया, तो बाकी जो बेसिकली हमारे पास वर्किंग करंट एसेट बचे 37,500, तो उसका जो गैप है वो 17,500 है। तो यहाँ पे जो लोन मिल सकता है वो 17,500 जो है मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग कैपिटल लोन है, और यहाँ पे करंट रेशियो जो है 1.33:1 जो है होना चाहिए। और उसी तरह जो थर्ड मेथड जो है बाद में ये ड्रॉप कर दिया गया था, तो इसके अंदर क्या है कि देखो जो बेसिकली जो बोरोअर है उसने देखो एक तो कोर करंट एसेट को कंट्रीब्यूट करना है, और उसी तरह क्या है कि जो करंट एसेट के अंदर से कोर करंट एसेट को हम माइनस कर देंगे तो उसका 25% उसने कंट्रीब्यूट करना है, तो ताकि करंट रेशियो को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करंट एसेट है 50,000 है, कोर करंट एसेट देखो उसने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना है, तो नेट करंट एसेट हमारे पास 45,000 बच के, इसका हमने 25% जो है लॉन्ग टर्म से लेना है, तो नेचुरली यहाँ पे 11,250 जो है बेसिकली माइनस हो गया। तो उसी तरह जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं ये भी माइनस हो जाएंगी, तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनांस जो है 13,750 जो है उसको मिलेगा। तो इस तरह ये टंडन कमेटी ने तीन मेथड जो है रिकमेंड किए हैं, और यहाँ पे कोर कमेटी जो है बेसिकली अब हम देखते हैं कोर कमेटी जो है 79 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई, और इसके जो चेयरमैन थे केबी कोर थे, और उन्होंने कैश क्रेडिट सिस्टम जो है उसको रिव्यू किया, और उसी तरह क्या है कि देखो जो ये भी चेक किया कि जो लिमिट सेंक्शन की जाती है और जो यूटिलाइजेशन की जाती है तो और क्या क्रेडिट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो क्या है कि जो जितने भी बोरोअर्स हैं अगर उनकी वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट जो है 50,00,000 या उससे ज़्यादा है तो उनसे क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो है लेनी चाहिए, और उसी तरह क्या है कि जो लिमिट 10,00,000 या उससे ज़्यादा है तो बैंक को समय समय पर उसका रिव्यू करते रहना चाहिए, और उसी तरह क्या है कि जो कैश क्रेडिट लिमिट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, डिमांड लोन एंड कैश क्रेडिट कंपोनेंट के अंदर। और उसी तरह क्या होता है कि अगर वो क्वार्टरली रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं करते तो जितना अमाउंट उनका आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब के उसके ऊपर 1% जो है पीनल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट जो है चार्ज होना चाहिए। और उसी तरह जो टेम्प्रेरी लिमिट्स हैं इसको डिस्करेज किया कि ये नहीं सेंक्शन होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि पीक लेवल और नॉन पीक लेवल के लिए क्या है कि अलग अलग, पीक लेवल होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो होता है जिन मंथ्स के अंदर ज़्यादा हाई होता है, नॉन पीक होता है जब लो होता है, तो उसके अंदर अलग अलग क्रेडिट लिमिट्स होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो कैश क्रेडिट लिमिट है इसको बिल लिमिट्स और फिनांसिंग बिल लिमिट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं मराठी कमेटी रिपोर्ट, जो कि प्रीवियस पेपर के अंदर भी इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे जो कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मराठी 1982 के अंदर जो ये कमेटी बनाई गई थी, और इसने क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम जो है उसको रिव्यू किया, और उसके बेसिस पे क्या है कि उसने क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे सजेशन भी ले दिए। तो उन्होंने कहा कि जो टंडन कमेटी का थर्ड मैथड है इसको जो है ड्रॉप करना चाहिए और सेकेंड मैथड जो है यूज़ करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि फास्ट ट्रैक स्कीम जो है यूज़ करनी चाहिए ताकि जो क्रेडिट अप्रेजल है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और उसी तरह देखो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लिए बिना जो है जितना भी बॉरोअर को जो है क्रेडिट रिक्वायर्ड है, एडिशनल क्रेडिट रिक्वायर्ड है, उसका 50% जो है अप्रूवल लिए बिना रिलीज़ कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 75%। तो उनके लिए ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं कि जो उनके एस्टिमेट्स हैं प्रोडक्शन, सेल, करंट एसेट, अदर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, बैंक बोरों को छोड़ के जो नेटवर्किंग कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या है कि उनकी जो बेसिकली वो जो एस्टिमेट्स दिए हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। जो उनका पास्ट का डाटा है, जो अजम्पशन है उसके बेसिस पे जो उनकी वो एस्टिमेशन है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी एज ए करंट एंड नॉन करंट जो है ये जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। और जो प्रोजेक्टेड करंट रेशियो करंट एसेट एंड लाइबिलिटी का है ये 1.33:1 होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो बोरोअर्स हैं वो अपनी जो है क्वार्टरली इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड 3 के बेसिस पे डिपॉजिट करवाए। और उसी तरह क्या है कि फ्यूचर के अंदर भी डिपॉजिट करवाए। और उसी तरह क्या है कि जो एनुअल अकाउंट रेगुलरली और प्रॉमिटली सबमिट कराए। और उसी तरह क्या है कि देखो साल के अंदर क्या है कि अगर उसने क्रेडिट लिमिट नहीं भी इन्हांस की तो भी बैंक जो है उसकी जो बॉरोअर की फैसिलिटीज़ है उसको साल के अंदर एक बार ज़रूर जो है उसको रिव्यू करें।